नमस्कार, स्वागत आपका। मैं संतोष कुमार पार्थ इस समय हिलसा सर के पटेल भवन में है, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 146वां जयंती मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ है हिलसा प्रखंड के जदयू के प्रखंड अध्यक्ष कुंदन जी, इनसे हम जानेंगे जयंती के बारे में। सबसे पहले आपसे हिलसा वासियों के आपके चैनल से मैं हिलसा वासियों का स्वागत करते हैं। हिलसा में पटेल जयंती हमेशा मनाई जाती है। जदयू के पार्टी की ओर से यहाँ सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के पटेल जी के रास्ते पर चलने की मैंने सीख दिया जाता है, जिससे कि लोगों को जानकारी हो कि हिलसा में भी पटेल जयंती मनाया जाता है। इस कार्यक्रम हुआ, आप अध्यक्षता भी किए, क्या क्या कार्यक्रम में हुआ और कौन कौन आए इस कार्यक्रम में? हिलसा में कार्यक्रम में सभी हिलसा के जो पटेल जी के मैंने उनको पर आशी मैंने उनको मैंने क्या कहते हैं उनको मैंने जो चाल पर विश्वास करते हैं उनको पर उनको से जो सभी पार्टी के कार्यकर्ता बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर कौन थे? बैठक के मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे माननीय विधायक हिलसा और जिलाध्यक्ष सिया शरण ठाकुर जी यहाँ उपस्थित थे। कार्यक्रम में उन्होंने क्या कहा? ये कहा इन लोग मैंने हमारे विधायक माननीय हिलसा के उनको जीवनी के बारे में पूरा जानकारी दी और जो उनको रास्ते पर जीवनी में जो कार्य किए उनको सभी हमारे कार्यकर्ताओं के उनको ने सुझाव दिए कि ऐसे ऐसे कार्य किए, आप लोग भी ऐसा ऐसा कार्य करें जिससे जदयू के कार्यकर्ताओं के यहाँ के जो कि पब्लिक में जाए और उनको विश्वास उनको पार्टी। क्या ये प्रत्येक साल मनाया जाता है 31 अक्टूबर को? हिलसा में 31 अक्टूबर को पटेल जयंती हमेशा मनाया जाता है और पटेल जी के जन्मदिन पर लोगों को याद किया जाता है। क्या जदयू से विभिन्न जो इकाई हैं आपका, छात्र जदयू, युवा जदयू, प्रखंड अध्यक्ष हैं, क्या सभी लोग आमंत्रित थे इसमें? हिलसा में इन पर विश्वास करते हैं, इसे हमारे पार्टी के सभी प्रकोष्ठ के यहाँ आमंत्रित थे, जैसे युवा भी के लोग भी थे, युवा और सेवा दल सभी प्रकोष्ठ के यहाँ उपस्थित थे। क्या लगता है कि राष्ट्रीय एकता का परिचय था ये, या क्योंकि 2014 से मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में? पटेल जी का 14 से मनाया जाता है, ये पूरे भारत में इन लोग इनको मनाया जाता है। और क्या कहेंगे जयंती पर? और जयंती पर कहेंगे कि इनके पटेल जी के रास्ते पर लोग चलें और मैंने जनता इन पर विश्वास करें और यही पर लोगों के विश्वास के साथ एकजुटता बनाएं, एकता के पर ही बल है, इसी हमारे पटेल जी के यही पर उनको कार्य किया, आज देश के आज एकजुट करके लोगों को विश्वास दिया।